अब बड़ी खबर, रिलायंस डिज्नी में स्ट्रैटेजिक करार हुआ है। नीता अंबानी होंगी जेवी के चेयरपर्सन। जेवी की ट्रांजैक्शन वैल्यू 70,352 करोड़ रुपए होगी। वहीं डिज्नी जेवी को कंटेंट लाइसेंस देगी। जेवी में डिज्नी की हिस्सेदारी 36.84% होगी। जेवी में वायाकॉम 18 की हिस्सेदारी 46.82% होगी। जेवी में रिलायंस की हिस्सेदारी 16.34% हो गई। वहीं जेवी में रिलायंस 11,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। डिज्नी के 30,000 कंटेंट एसेट का लाइसेंस मिलेगा। डिज्नी फिल्म्स के एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेंगे। इस स्ट्रैटेजिक करार को लेकर आरआईएल चेयरपर्सन मुकेश अंबानी का बयान आया कि डिज्नी के साथ ये जेवी महत्वपूर्ण करार है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत है। जेवी से शानदार कंटेंट तैयार करने में मदद मिलेगी। ऑडियंस को किफायती दर पर कंटेंट मुहैया कराएंगे। रिलायंस और डिज्नी में स्ट्रैटेजिक करार हुआ है। जेवी में वायाकॉम 18 की हिस्सेदारी की बात की जाए 46% से ज्यादा। वहीं रिलायंस की हिस्सेदारी 16.34% होगी। डिज्नी फिल्म्स के एक्सक्लूसिव राइट्स अब इसी तरह से मिल जाएंगे और ये राइट्स दावा है कि बहुत ही किफायती दर पर ऑडियंस तक ये कंटेंट पहुंचाए जाएंगे।